प्यार से बुलाया शिवम आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को किसी परवचन की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या कि शक्तिमान की अनाउंसमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि शक्तिमान की अनाउंसमेंट हुई जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारी वीडियो बिगाड़ी। लेकिन आपको पता है शक्तिमान की जो पार्ट टू का अनाउंसमेंट, वो सबसे पहले मुकेश खन्ना सर ने नहीं कहा था कि इसका पार्ट टू आएगा। वो एक फैन था जिसने शक्तिमान का ट्रेलर बनाया, मतलब ट्रेलर एडिट करके यूट्यूब पर डाला और उस ट्रेलर के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसे देखने के बाद तो मुकेश खन्ना सर को भी हिल गए। और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने वो ट्रेलर बनाया था। उसके बाद उस पर बात, फिर उसके बाद से ये शक्तिमान का पार्ट टू आएगा 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 इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होने लगा। उसके बाद ये ज़्यादा हाइप में ये बात आ गई, वरना इससे पहले शक्तिमान के पार्ट टू का कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं था। तो ये जान के आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।